अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं सांभर। इसके लिए मैं ली हूँ 100 ग्राम तुवर की दाल। इसे ऑलरेडी वॉश करके आधा घंटा पहले भिगा के रख डाले। अब हम इसमें ऐड करेंगे तीन हरे मिर्ची और हाफ टेबल स्पून हल्दी। इसे हम दाल को हम प्रेशर कुक कर लेंगे, अच्छे से गला लेंगे 3 से 4 सीटी के लिए। दाल अच्छे से गल गई, हम इसे घोट लिए। 3 सीटियों में दाल अच्छी गल गई। अब हम सांभर को बघार लेंगे। 4 टेबलस्पून ऑयल गरम हो गया, 1 टेबलस्पून राया, 1 टेबलस्पून जीरा, 5 से 6 लहसुन, 1 डली प्याज, 2 प्याज अच्छे से हो गए। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर, 2 मूंगे की फली, 1 कद्दू, 1 कद्दू को हम वॉश करके छोटे पीसेस में काट के रख लिए कद्दू। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक। अच्छे से मिक्स करके हम इसे सॉफ्ट होने के लिए थोड़ी देर ढक के थोड़ी देर पानी डाल, कद्दू और मूंगे की फली गलने के लिए 2 गिलास पानी डाल के हम थोड़ी देर ढक पकाएंगे। 1 लेमन साइज की और 3 इमली, इसका हम जूस निकाल लिए। अब दाल में ऐड करेंगे कद्दू और फली, अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें दाल और खट्टा डाल के रखे सो ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा करी लीव्स, पानी और नमक आपके हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके डाल। सांभर अच्छे से आउट रहा। अब हम इसमें सांभर मसाला डालेंगे, कोई भी क्वालिटी का सांभर मसाला ऐड कर सकते। ये MTR सांभर मसाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कोथमीर। अच्छे से बॉईल हो गए बाद, थोड़ी देर बॉईल हुए बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। टेस्टी सांभर बन के रेडी हो गया। इसे आप इडली के साथ, दोसे के साथ या वड़े के साथ खा सकते। अगर आप लोगों को ये सांभर की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।